सत श्री अकाल जी, मैं अमर पंजाब एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत करदा जी। आओ शुरू करते हैं इस खास बुलेटिन की पंजाब दीआं ताज़ा तरीन खबरां दे नाल। सब तो पहला गल करांगे भगवंत मान की, जड़े कि फिरोजपुर पहुंचे। पंजाब के सीएम भगवंत मान हड़ प्रभावित इलाकों का जायजा लैण लई फिरोजपुर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने हड़ प्रभावित इलाकों का मुआयना भी किया है, लोगों नूं कहा हर संभव मदद लई सरकार तैयार है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान फिरोजपुर के निहाला लवेरा पिंड पहुँच के लोगों के नाल मुलाकात करते नजर आए। उन्होंने इस मौके स्थिति का जायजा लिया। दस दें कि फिरोजपुर के सतलुज ने तबाही मचाई हुई है, हर पासे तबाही मची हुई नजर आई। लोगों दी फसलां तबाह हो चुकी ने, लोगों के घर पानी वड़ चुका है। इस मौके मीडिया के नाल गलबात करदिया मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने दसिया कि असी तीन चार दिन पहला ही पनीरी भिजवा दी सी, पनीरी की कोई घाट नहीं आऊगी, दोबारा जीरी लग सकता है। कल मैं घग्गर दे इलाके सी, मूनक छतराणा पात्रा माइक उपर थोड़ा दा इलाका सी। अज मैं इधर फिरोजपुर के इलाके जाए जिते जिते भी ज़्यादा प्रभावित है। मैं पहला तो मैं बहुत ही तारीफ करनी चाहूँगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के जवानों ने, बहुत कोऑर्डिनेट, बहुत ही ज़्यादा मैं दस रहे हैं कि हज़ार तो ज़्यादा लोगों असी ढाणिया चो कोठिया चो बिल्कुल बाहर लेके आ चुके हैं। और इतें ही मैं कहना कि भारत जिहड़ा गुलदस्ता है, कोई तमिलनाडु तो है, कोई आंध्रा तो है, बिल्कुल कोई तेलंगाना तो है, फोन थोड़ा दे, कोई यूपी तो है, पर दे भारतीय। सो यार हाथ ना मार, मैं फोन क्यों ले रहे, फौज वालों जिन्नी भी सहायता मिली उसका भी धन्यवाद एडजस्ट करो। तो पंजाब सरकार वालों असी कोई कसर नहीं छड़ रहे जिथे भी किते, क्योंकि ये टाइम कोई राजनीति करन दा नहीं जी, ये टाइम लोगों नूं बचाउण दा। जीरी दोबारा ला लांगे, पनीरी दोबारा ला लांगे, पर जान दोबारा नहीं आ सकती। सो असी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों आ रहा भी पनसप वालों पन सीड वालों असी ये तुहाडे जरिए मैं दसना चाहना कि असी तीन चार दिन पहले असी पौध जिहड़ी है वो भिजवाती सी, यानी कि पनीरी, पनीरी की कोई घाट नहीं आऊगी, दोबारा जीरी लग सकती है जी। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि किसी पक्षों भी कोई कमी नहीं आएगी, जिन्हों का माली नुकसान होया उन्होंने पूरा मुआवजा दिता जाएगा। पंजाब के सीएम ने कहा है जिन्हों का घाट टह गया उन्होंने 1,25,000, जे किसी के डंगर के वाड़े का नुकसान होया तो उसनों 1,00,000 रुपया मुआवजा दिता जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दवाया कि पंजाब सरकार तुहाडे नाल है। फिरोजपुर तो बाद मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान फिलहाल जलंधर के हड़ प्रभावित इलाके का भी जायजा लैण लई पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने नाल जलंधर के DC साहिबान ते लोकसभा सांसद सुशील ब्रिंकू ते राज्यसभा सांसद संत बलवीर सिंह सिचेवाल भी मौजूद रहे। वेखदे हां पूरी रिपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जलंधर के हड़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री बचाव कार्यों का भी जायजा लेंदे हुए नजर आए। इस मौके शाहकोट लोहिया मंडला और तूसीबंदी उलंघना भी जिथे हुई है उत्थे भी जाके उन्होंने दौरा किया है। इस मौके राज्यसभा मैंबर संत बलवीर सिंह सिचेवाल संगत सने उस मौके पर भी मौजूद रहे। दस दें इस पहला पंजाब के सीएम फिरोजपुर और मोगा के प्रभावित इलाकों का भी दौरा करते हुए नजर आए। जदों तो पंजाब दे विच हड़ा की स्थिति बनी हुई है उदों तो सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और बचाव कार्यों का जायजा लैण के नाल नाल लोगों दी समस्यावां भी सुनते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिंपा ने मोहाली दे विच अपने अधिकारियों के नाल मुलाकात की है। इस बैठक दे विच हड़ अते हड़ नाल बने हालातों ते भी चर्चा की गई। इस मौके पर प्रशासन के कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। जल सप्लाई अते सैनिटेशन मंत्री
ब्रह्म शंकर जिंपा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों अनुसार मोहाली जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों नाल मीटिंग की। मीटिंग दे विच हड़ प्रभावित इलाकों की स्थिति बारे जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा अधिकारी इस गल नूं यकीनी बनाउण कि सरकार दे वल्लों दित्ती हर मदद लोकां तक पहुंचे। तां दसने आ मुसीबत की घड़ी दे विच केंद्र सरकार नूं खुले दिल नाल पंजाब की मदद करनी चाहीदी है। यह भी बयान उन्होंने दिता है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री यानी कि NRI मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने पठानकोट के अधिकारियों के नाल मुलाकात की है। बैठक के हड़ नाल प्रभावित इलाकों नूं लैके भी चर्चा की गई। अधिकारियों नूं हड़ नाल प्रभावित इलाकों के फसे लोगों की हर संभव मदद का भी उन्होंने हुक्म दिता है। पंजाब के NRI मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने पठानकोट के अधिकारियों नाल बैठक की है। इस बैठक के हड़ां तो बचाव के लिए जिला प्रशासन को इंतजाम करने भी कहा गया है और तैयारियों का भी रिव्यू लिता गया है। इस मौके कुलदीप सिंह धालीवाल ने अधिकारियों नूं हदायत की है कि वह समा रेंदे हुए हड़ रोकू प्रबंधा मुकम्मल कर लैन ता जो आने वाले दिनों के होने वाली बारिश कारण संभावी हड़ां की भयानक त्रासदी रोकया जा सके। ते पंजाब सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार जिन्हां दे दिशा निर्देशों से अज असी मीटिंग की पूरी तरह तैयार बर तैयार है। साडा पठानकोट का जिन्ना साडा सारा ही जिहड़ा प्रशासन वो बिल्कुल हर तरह के मुकाबले लई और पठानकोट जिले के लोगों को सुरक्षित रखना इतों के जान माल को सुरक्षित रखना इतों दी फसलों को इतों दी रोड्स को मतलब सुरक्षित रखना जरा सा प्रशासन का काम है वह असं करा अभी सारे लोग एक टीम। सो मीटिंग बहुत वधिया हुई है। कुछ असी जे साडे पहला काम चल रहे थे वो रिव्यू रिपोर्ट भी जी अफसर को लई है। सो मेनली हड़ां की सी कि हड़ां का जरा कि मुकाबला करना। इस मौके उन्होंने टीमों को कहा कि आपो अपने खेत्र के यकीनी बनाउण कि सेम नालियां दे सारे पुल अते पुलियां साफ होण अते कोई भी नाला ब्लॉक ना रहे। जड़े नाले अजे तक साफ नहीं हो सके उन्हां नूं भी तुरंत साफ किया जाए। इस दे नाल ही लोक निर्माण विभाग अते मंडी बोर्ड के अधिकारी भी मौके ते मौजूद रहे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी की अहम बैठक अज मुकम्मल हुई है। बैठक तो बाद ICPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। प्रैस कॉन्फ्रेंस के उन्होंने 24 जुलाई में ICPC का यूट्यूब चैनल शुरू होने की भी जानकारी साझी की है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आज बड़ा ऐलान कर दिया। गुरबाणी प्रसारण लिए अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने का फैसला किया है। अंतरिम कमेटी के मैंबरों की मीटिंग च गुरबाणी प्रसारण बारे विचार वटांदरा करने उपरांत यह फैसला लिया गया है। इस उपरांत ICPC के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने भी गल करते कहा है कि बहुत लंबे समय तो यह चर्चा का विषय बनया हुआ सी कि श्रोमणी कमेटी अपना चैनल कदों लॉन्च करेगी। इस संबंधी उन्होंने कहा अज श्री अकाल तख्त साहब नूं असी सारी जानकारी दे दित्ती है। प्रधान धामी ने कहा कि श्रोमणी कमेटी हमेशा श्री अकाल तख्त साहब के आदेश का पालन करती है अते उन्होंने हुक्म ते खरी उतरती है। जिहड़ा इत्थे यूट्यूब लॉन्च करना 24 तरीक तो अमृत वेले जिहड़ा आ उह साडा चैनल जिहदा नाम रखिया गया सचखंड श्री हरिमंदर साहब अमृतसर ते जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का लोगो आदे थले SGPC क्योंकि वो पंजाबी लिखा आ वह मोटे अखरों में लिखा जाऊगा ता कि लोगों को यह पहचान हो जाए कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चैनल आ। ये जिहड़ी सैटेलाइट की प्रक्रिया आ ये क्योंकि तुसीं सारे वैब चैनलों के पे हो तुहानूं मेरे तो वध पता ये समय की अज लोड़ भी आ ते असीं इहदे लई वचनबद्ध भी आ। अज असीं इह वी वादा कीता कि असीं ये छेती सारी प्रक्रिया पूरी करांगे क्योंकि थोड़ा समा लग जाऊगा। असी कल ही एक ईमेल भी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री नूं भेज दित्ती आ ते अज असी एक एप्लीकेशन लिख के उन्हां नूं परसनल तौर पर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑनरेबल उन्हां नूं अप्रोच करांगे भी सानूं एक 5 मैंबरी जिहड़ी ऑलरेडी सब कमेटी बनी आ उन्हां नूं मिलण दा मौका दित्ता जाए ता कि तुहाडे ध्यान दे विच सारी लिया दित्ती जाए।
उस तो इलावा ये सानू कंसल्टेंट भी रखने पैने आ। वो कंसल्टेंट जिहड़े अपनी राय देणगे वो साडा वखरा स्टाफ होगा, उहदे लई एक महकमा साडा वखरा होगा, वो महकमे का जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कमरे सारे वो प्रबंध ते स्टूडियो का एक मूहों कढ़नी गल बड़ी सुखाली हुंदी आ। श्रोमणी कमेटी भावें समर्थ आ पर क्योंकि जिले नवीं आउंदियां खोजां ते उहदे विच फिर साडा जिहड़ा स्टाफ आ उह नवां भी कई बार सानूं स्थापित करना पैंदा, सो इस करके उहदे लई प्रक्रिया आरंभ दित्ती गई आ। गुरु साहब कृपा करन छेती उहदे विच भी कामयाब होवांगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕਾਤਮਕ ਹੱਕ SGPC ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਰੀਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। पटियाला दे जुलका पिंड दे विच हड़ पीड़ता दे लई राहत समगरी पहुँचाउण वाली NDRF की जिहड़ी बोट है वह पलट जाण करके एक वड्डा हादसा होया, पर गनीमत रही किसी की जान नहीं गई पर कुछ जवान जख्मी जरूर होए सन। पटियाला हलका सनोर दे पिंडां दे विच घग्गर दरिया दे आए हड़ ते पाणी कारण लोकां दीआं जानां बचाउण अते किश्तियां तक सारियां चीज़ां पहुँचाउण वाली NDRF की टीम की किश्ती पाणी दे विच डुब गई है, पर गनीमत रही टुकड़े अपनी जान बचाउण दे विच कामयाब रही है। इस किश्ती दे विच दवाइयां, राशन, भोजन, पानी अते होर जरूरी वस्तां सन। NDRF अते पटियाला पुलिस दीआं टीमां पानी दा पद्धर काफ़ी उच्चा होण करके लगातार राहत अते बचाव कारजां दा काम कर रहीआं हन। दरअसल किश्ती थाणा जुलका दे पिंड दुद्धन गुजरां नेड़े एक टुट्टे हुए पुल नाल जा टकराई सी, जिस तों बाद इह हादसा वापरिआ सी। हालांकि 3-4 मैंबरां नूं वी गुंजीआं सट्टां लगीआं हन पर किश्ती हादसाग्रस्त होने करके नुकसानी गई है, पर उस तो बाद भी NDRF के जवानों ने अपने कस्बे को कट्टण नहीं दिता, सगो होर वधेरे जोश नाल वह मुड़ तो राहत कारजा दे विच लगे हुए नजर आए। पंजाब एक्सप्रेस दे इस खास बुलेटिन च इन्ना ही। सत श्री अकाल जी।